युवा जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मंझोला स्थित धान क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आज धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा मंझोला मंडी समिति में स्थित धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया। धान क्रय में जो भी खामियां दिखाई दी उसको लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल्दी धान क्रय केंद्र में आ रही परेशानियों को दूर किया जाए और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि धान क्रय केंद्र के औचक निरीक्षण करने का उद्देश्य सिर्फ ये देखना है कि किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल रहा है या नहीं। जिलाधिकारी ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपना धान क्रय केंद्र पर ही अपना धान बेचे, साथ ही जो भी शासन का मूल्य है उसका लाभ उठाए। आज यहाँ मंडी समिति में मैंने धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है। निरीक्षण का उद्देश्य यह है कि जो धान का समर्थन मूल्य है 1868 रुपये और 1888 रुपये। मेरी किसानों से अपील है कि जो भी किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर लें, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो अपना धान क्रय केंद्र पर ही खुलवाएँ। पूरे जनपद में 57 क्रय केंद्र, धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं और ये इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। तो मैं किसानों से अपील करूंगा कि वो धान क्रय केंद्र पर आएं और धान क्रय केंद्र पर अपना धान बेचें। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या है तो अपने उपजिलाधिकारी से और जो धान क्रय केंद्र का प्रभारी अधिकारी है उससे संपर्क करें। मैंने प्रत्येक धान क्रय केंद्र के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को तैनात किया है जो किसानों और धान क्रय केंद्र के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, समन्वय का काम करेंगे।